बढ़ेंगे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी है। सिहोनी फौज ने गजा में मजीद 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी 11 माह से जारी। इस दौरान सिहोनी फौज ने 41,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। सिहोनी फौज के तैयारों ने जवालिया कैंप में स्कूल पर बमबारी करके 8 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज के हमलों से नसीरात कैंप में 5, बोरीच में 1 फलस्तीनी शहीद हो गया। काबिज फौज ने गजा में हमास के 2 कमांडरों को भी शहीद कर दिया, जबकि मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन से 3 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान ने रात गए शमाली इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिसके जवाब में इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्ला के अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 लबनानी शहीद हो गए। इधर अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का कहना है की गजा जंग बंदी की मजीद मौसर तजावीज कुछ दिनों में पेश करेंगे। निहत्थे फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लंदन में शहरियों की बड़ी तादाद ने निहत्थे फलस्तीनियों के लिए रैलियां निकाली। मुजाहिरों का कहना था गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। आयरलैंड में भी शहरियों ने फलस्तीनी झंडे उठाकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए। दूसरी जानब तेल अबीब में 7 लाख से ज्यादा अफराद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरों ने गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया।